हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी गर्ल श्रेया हाय आई श्रेया ओके आज ना मैं आपके साथ कुछ ज्वेलरी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने मोस्ट फेमस वेबसाइट से परचेस करा है विच इज़ मीशो सो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने मीशो uh, से कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करी थी तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उनकी क्वालिटी एवरीथिंग ज़्यादा नहीं है आई थिंक चार है तीन चार प्रोडक्ट थे उसे ज़्यादा नहीं है ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने तीन चार प्रोडक्ट ही लिए हैं और आपने बेबी इसको एक दो बार मेरे वीडियोस में देखा भी होगा पहने हुए बट मैंने उसका रिव्यू शेयर नहीं करा था क्योंकि मैं उसको भी ट्राई कर रही थी उस वक्त यू you नो know, वो अभी उस टाइम वो आ, ट्रायल मूड में था इसलिए तो अभी फ़ाइनली मैंने उसको अच्छे से यूज़ कर लिया है एंड देन मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसा आया है और लाइक like, मीशो पे काफ़ी चीप रेट पे आपको अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो इसलिए मैं मोस्टली ज्वेलरीज़ वग़ैरह मतलब वहीं से परचेस करती हूँ मोस्टली ये जो ब्रेसलेट अभी आप देख रहे हो ना ये भी मेरी मीशो से ही परचेस करा था लाइक like, फ्रेंडशिप डे के टाइम पर तीन का सेट था ये तो मेरी दो और फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी तो ये तीन मैंने परचेस करा था एक मैंने वेयर किया है एक येलो बटरफ्लाई था और एक रेड बटरफ्लाई था तो काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो मैं इसको काफ़ी टाइम से भी वेयर कर रखा है मतलब काफ़ी डिफरेंट सा है मतलब अच्छा लग रहा है इसमें ईवल आई भी है आप देख सकते हो तो नज़र भी नहीं लगेगी तो चलो अभी मैं बाकी जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं मैं उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ चलो अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, मेरे पास ना टोटल वन टू थ्री फोर फाइव पीस है जिसमें से दो ना इयर और मांगटीका का सेट है और तीन जो है वो बस ईयरिंग है और हाँ जो नेक पीस अभी मैंने वेयर कर रखा है ना ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके कर आए थे आसाम से बट ऐसा जब मैं लाइक लिंक्स वगैरह ढूंढ रही थी या प्रोडक्ट्स ढूंढती रहती हूँ तो मुझे ऐसा ईयर मतलब ऐसा नेक पीस दिखा था उधर उसमें ईयर थे कि नहीं मुझे पता नहीं बट ये इयर के साथ है तो अगर कुछ ऐसा सिमिलर या फिर और भी मेरे पास जो है वैसा कुछ सिमिलर मुझे मिला ना तो मैं लिंक नीचे दे दूंगी आपको अगर इफ़ इन केस अगर आपको बाय करना हो तो क्योंकि बहुत प्रटी लग रहा है मतलब ऐसा प्लेन कुर्ते के साथ आप देख सकते हो पूरा प्लेन कुर्ता है उस पर वाइट चिकनकारी वर्क है इस पर और इस पर मैंने इसको वेयर किया है ना तो ऐसा कंट्रास्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी प्रटी लगता है आप इसको ऐसा साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हो प्लेन साड़ी अगर आपके पास है ना उसके साथ भी कंट्रास्ट कुछ वेयर कर लो ऐसा बहुत खूबसूरत लगने वाला है तो चलो अभी हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रोडक्ट देख देखते हैं विच इज़ दिस वन सो ये जो पीस है ये मैंने लिया था मेरे पास एक नेट की साड़ी है पीच कलर की ये मैंने उसके साथ वेयर करने के लिए लिया था तो काफ़ी प्यारा है इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेसलेट मैंने वेयर कर रखा है ना ये भी प्यार, बहुत ही प्यारा है इसका जो प्राइस था वो है वन फिफ्टी और अगर आप ऑनलाइन पे करते हो ना तो आपको ये वन में मिल जाती है विच इज़ दिस वन देख पा रहे हो आप इधर इसमें तीन का शेड है तीन शेड है एक स्काई मैंने वेयर कर रखा है एक रेड है और एक येलो है तो ये मैंने मेरे लिए और अपने फ्रेंड के लिए लिया था फ्रेंडशिप डे के टाइम पे तो काफ़ी प्यारा है आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो तो चलो मैं इस एयर का प्राइस बता दूँ आपको लेट मी चेक ओके ये मिल गया मुझे सो तो ये मैंने लिया है टू हंड्रेड सेवेंटी एट रुपीज़ का और अभी आई थिंक ये और सस्ते में पड़ रही होगी आपको नहीं अभी भी उतनी की है और आप अगर ऑनलाइन पे करते हो तो आपको टू फिफ्टी एट रुपीज की पड़ती है ये वाली इयर एंड इसमें ढेर सारे कलर ऑप्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे हो ओके बस इतना ही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स डिफरेंट शेड है इसमें ग्रीन है रेड है पिंक है लाइट पिंक है और एक स्काई कलर का है तो बहुत सारे कलर ऑप्शन है मैंने उसमें से ये पीच कलर लिया था और इसमें से मुझे एक और कलर लेना है विच इज दिस वन जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एक्चुअली ये जो शेड है ना ये मोस्ट ऑफ द लाइक आउटफिट के साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये कलर इट्स अ लाइक दिस वन स्काई कलर तो काफ़ी प्यारा है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इसमें पूरा आपको कुंदन और सॉरी पॉल एंड स्टोन का वर्क मिल रहा है कुंदन वर्क नहीं है पॉल एंड स्टोन का वर्क मिल रहा है इसमें आपको ये आप देख सकते हो बहुत प्यारा लगता है वेयर करने के बाद तो so, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो बहुत प्यारा सा है हाँ लिटिल बिट हैवी है बट इतना भी नहीं है कि आपके जोर इयर्स है वो ईयर लुक्स जो है ना उसको मतलब हैंडल ना कर पाए दिस वॉज द फर्स्ट पीस अच्छा जो नेक्स्ट पीस है वो ये वाला है आ, ये भी अगेन बहुत ही प्यारा सा थोड़ा राजस्थानी टच में आपको ये मिलता है ऊपर बड़ा सा स्टड है एंड देन फिर ये नीचे है ऐसा एस, लंबा सा आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा है कलर है इसका इसमें आपको दो कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं फर्स्ट वन इज दिस और दूसरा जो है पूरा पिंक में मिलता है आपको इसमें तो जो दूसरा पीस है इसका वो मतलब दूसरा कलर जो है वो आपको पूरा पिंक मिलता है और एक और कलर इसमें ऐड हुआ है विच इज़ लाइक रेड ओके नेक्स्ट एक और कलर इसमें ऐड हुआ है रेड कलर का तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एक ये पिंक है और एक ये वाला है जो कि मैंने लिया है तो ये आपको पड़ रहा है अभी वैसे तो इसका जो रेट है वो है टू दो सौ नब्बे रुपये और ये अगर आप अभी परचेस करते हो तो आपको ये टू फिफ्टी सिक्स में पड़ेगी बहुत ही प्यारा सा इसमें लाइक कुंदन एंड पोल की डिटेलिंग है विथ मीना कारी तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो बहुत ट्रटी लग रहा है ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ट्रिटी है ये देख सकते हो पहनने के बाद ऐसा कुछ लुक आएगा बिल्कुल स्टेटमेंट ईयर मुझे जैसे पसंद है ना ये बिल्कुल वैसे वाले हैं मुझे ऐसे बड़े स्टेटमेंट ईयर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैं डेफिनेटली मतलब आपको रेकमेंड करूँगी आप इसको ट्राई करो और आपको पसंद आएगा और यह लाइट वेट है बहुत ज़्यादा भारी नहीं है बहुत ही लाइट वेट है ये तो आपके ईयर लुक पे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होने वाला आपको दिस वॉज द नेक्स्ट पीस ओके सो दिस वॉज द नेक्स्ट पीस गाइस बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का इयर है येलो एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है साथ में इसमें पिंक वाइट का मीनाकारी वर्क है यहाँ पे आप देख सकते हो और ये पूरा लाइक मीनाकारी वर्क आपको मिल रहा है इधर और इसमें आपको कुंदन एंड पॉल की डिटेलिंग मिल रही है और साथ में यहाँ ऊपर के साथ में उस साइड में जो स्टर्ड एरिया है ना वहाँ पे आपको मिरर मिल रहा है इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन है तो मैंने इसको लिया था थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड थर्टी सेवन रुपीज़ का और अभी आपको मिल जाएगी तीन सौ तीन रुपए में और इसमें तो बहुत सारे कलर ऑप्शन है लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल नाइन शेड इसमें आपको मिल रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो गए सो तो आप देख सकते हो इसका जो रेड वाला कलर शेड है ना वो भी बहुत खूबसूरत लगता है आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है मुझे तो इसमें से लाइक दो तीन और भी पसंद है एक ये पिंक है बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर है इसमें एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस ग्रे वन जो कि बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो so, मैं डेफिनेटली इसमें से एक आध पीस और परचेस करने वाली हूँ तो so, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो हाँ लिटिल विट हैवी है बट ठीक uh, है इतना तो मैनेज कर सकते हैं हम गर्ल्स लाइक फैशन के लिए तो so, या yeah, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो लिटिल बिट हैवी है बट ठीक है कोई बात नहीं आप ना इसमें अंदर नहीं डबल साइडेड टेप को आ, इसके साथ अगर अटैच कर दोगे ना तो फिर ये ईयर पे उतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता है सो या दिस वॉज द नेक्स्ट पीस गाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड मैंने जो फर्स्ट दो दिखाया और ये ये तीनों मैंने साथ में ऑर्डर करा था सो या लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन और पीछे से भी इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हो जो नेक्स्ट वन है ये मांग टीके के साथ आपको मिलता है अगेन ये भी काफ़ी प्यारा सा सेट है मैं बहुत ही लाइट वेट है ये एंड मैंने इसको लगभग काफ़ी टाइम पहले लिया था एक्चुअली इसको मैंने जब एक पंजाबी लुक शेयर किया था आई डोंट नो मैंने इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं है बट या मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले परचेस करा था और जब मैं उस टाइम पंजाब में थी जलंधर में तब मैंने इसको परचेस करा था बहुत ही प्यारा सा पीस है इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन है मैं उसका प्राइस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ है वो ओके okay, मिल गया मुझे ये आई डोंट नो मैंने इसका रिव्यू शेयर किया कि नहीं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है बट ठीक है अगर किया भी हो तो कोई बात नहीं ये पीस बहुत प्यारा है इसलिए मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ फिर से तो so, इसके लिए मैंने पे किया था तीन सौ सो सोलह रुपये और इसमें अभी ये आपको पड़ेगा टू हंड्रेड फिफ्टी फोर रुपीज़ का तो ये टीका है सो so ये रहा मांग टीका और ये रहा ईयर रिंग तो काफ़ी प्यारा लगता है सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है इसमें आपको कुछ भी वैसा कुछ नहीं मिलता बस आपको सिंपली इसे टक कर देना है तो काफ़ी बड़ा है अगर आपको ऐसे बड़े स्टेटमेंट्स ईयर रिंग्स विथ मागटी अच्छे लगते हैं ना तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो मुझे ऐसे हैवी मागटी का विथ ईयर बहुत प्यारे लगते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड uh, इसके साथ आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल नाइन डिफरेंट शेड में आपको मिल जाता है ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सो टोटल नाइन डिफरेंट शेड में मिलता है टू आप इसके लिए पे कर सकते हो मतलब अगर आपको लेना हो तो आप इसको मतलब उतने में ले सकते हो एंड लोगों के रिव्यूज भी है ये देख सकते हो लोगों ने लिए भी ऐसे yes. तो अगर आपको लेना हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो सो दिस वाज द नेक्स्ट वन एंड क्वालिटी वाज काफी अच्छी है ऑलराइट गाइस सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन जो कि लाइक like, अभी मैंने कुछ इसी महीने में लिया है इसको मेरी जब कजिन uh, सो so, इसको ना मैंने अभी रिसेंटली इसी मंथ में परचेस करा है और लाइक like, इसको मुझे हल्दी में वेयर करना था क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं मल्टी कलर टाइप का कुछ और मुझे इसको हल्दी में वेयर करना था तो इसलिए मैंने इसको परचेस करा ये ना थोड़ा लाइक like, हैवी है ये और बाकियों से कॉस्टली है नो no डाउट Uh, बाकी उसे कॉस्टली है इसके साथ मैंने एक और मंगवाया था ब्लैक कलर में बट वो मुझे रिसीव नहीं हो पाया तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया था बिकॉज जिस डेट पे मुझे चाहिए था उस डेट पे वो आ नहीं रही थी तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया था एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ ये फंस गया है ओके okay, तो अच्छा सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ मैंने कितना पे किया है तो मैंने पे किया इसके लिए थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री रुपीज़ और अभी ये आपको मिल जाएगा थ्री फोर्टी वन रुपीज़ में एंड इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं टोटल तो तो आठ डिफरेंट कलर में ये अवेलेबल है वेबसाइट पे तो आप चेक कर सकते हो और मैंने जो लिया है वो है ये वाला पीस सो so, ये गोल्डन विथ मल्टी कलर स्टोन्स नहीं स्टोन्स नहीं है आई नो इसको क्या बोलते हैं बट हाँ काफ़ी प्यारा सा है ये तो मैंने इसको पहना था हल्दी वाले लुक के लिए मतलब तो अपने सिस्टर के वेडिंग के टाइम पे हल्दी जिस दिन थी उस दिन मैंने इसको वेयर किया था तो काफ़ी प्यारा लग रहा था नो डाउट ये बहुत खूबसूरत लग रहा था तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हो इसका मंग टीका बहुत खूबसूरत है मतलब काफ़ी बड़ा है बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए जैसा मुझे पसंद है वैसा इयर रिंग भी काफ़ी बड़े हैं जैसा मुझे पसंद है वैसा तो ये आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था ये हाँ लिटिल बिट हैवी है उन तीनों चारों से काफी ज्यादा हैवी है ये बट ठीक है इतना मैनेज कर सकते हैं हम दिस वॉज द पीस एंड इसमें आपको टो तो पूरा कुंदन वर्क मिल रहा है पूरा का पूरा कुंदन वर्क है और ये मोतियाँ लटकी हुई हैं इधर कलरफुल मोती मतलब ये पूरा ऐसा पंजाबी वाला वाइफ देता है आपको तो, या। तो भी अगर इस टाइप की हैवी स्टेटमेंट डियरिंग विथ मांकी का पसंद है तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रटी है प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है का बहुत रीज़नेबल रेट पे आपको मिल जाता है यही सेम प्रोडक्ट मैंने आई थिंक फ्लिपकार्ट देखा था तो वो कुछ 500 या साढ़े चार सौ समथिंग कुछ ऐसी थी तो उससे बेटर मुझे मीशो पे मिल जाता है मतलब ज्वेलरीज मैं मोस्टली मैं ज्वेलरीज मीशो से ही लेती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक सही प्राइस लगता है उसका मे बी समाइम्स क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं होती है बट Sometimes ऐसा नहीं है मेरे साथ बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ मंगवाया हो और वो ख़राब आ गया हो कभी ऐसा नहीं हुआ है मतलब एक आध पीस कभी हो जाते हैं लाइक like, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है तो थोड़ा ख़राब हो जाता है बट ये सारे प्रोडक्ट्स मैं मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ इसको तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक साल हो गया है ये जो ग्रीन वाला सेट मैंने मंगवाया था ये ऑलमोस्ट एक साल होने जा रहा है इसको यह हो भी गया होगा मुझे ध्यान नहीं है बट या yeah, ये काफ़ी प्यारा है और अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है क्योंकि आप जैसे रखोगे वैसा ही आपका प्रोडक्ट आपको मतलब आ, वैसा ही वो हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे से नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात ये ख़राब हो जाएगी मैं इसको काफ़ी अच्छे से रखती हूँ बॉक्सेज में रखती हूँ तो इसलिए अभी तक टिकी हुई है वरना ही कब का ख़राब हो चुकी होती इ आई होप यू लाइक दिस वीडियो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को सै मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चल देन बाय बाय